रहीम। कलम ये पढ़ रहे थे नवा सवाल ही। अब इसी को मैं से शुरू करते हैं, पढ़े जरा। इलैकुम अमसिलतन उखरा। सो टेक सम मोर एग्जांपल्स। हुना इलैकुम इस्मु फ़ेलिन, हियर इलैकुम इज इस्मु फ़ेल व्हिच इज वर्ब नाउ, वस्मुल फ़ेली कलिमतन तदुल्लु अला मा यदुल्लु अलैहि अलैहि फ़ेली गैर अन्हा ला तकबलु अलामतुहु। वस्मुल फ़ेली एंड इसमें फ़ेल इज कलिमतन तदुल्लु कलिम A word indicating on what the fail has indicated without that it accept its signs. यानी कि जो ऐसा ये होता है इस्मुल फेल के ये मतलब वही हमें देता है जो फेल हमें मतलब देते हैं, लेकिन ये जो फेल वाली कानून होते हैं, फेल वाले साइंस होते हैं, उन को ये कबूल नहीं करता। ठीक है, जैसे इलैकुम ये मतलब हमें फेल का दे रहा है, लेकिन जो चीज़ें हैं फेल वाली होती हैं, फेल के कानून होते हैं, वो इस पे लागू नहीं होते क्योंकि ये सब है। ओके तो सो इस्मुल फेल कलिमतन है तदुल्लु कलिमतन तदुल्लु है कलिमातुन के कलिमत तदुल्लु अला मा यदुल्लु। सो एंड इस्मुल फेल इज अ वर्ड इंडिकेटेड ऑन व्हाट इट इंडिकेट्स ऑन व्हाट द फेल इंडिकेट्स ओके अलैहिल फेली ओके इंडिकेट्स غير عنها لا تقبل علامته غير عنها मतलब गाइड कहते हैं विदाउट दैट इट غير عنها غير عنها without that it لا تقبل does not accept علامه is the signs its sign true وإليك معناه خذ تقول تقول وإليك and for you or and लिखा हुआ है कि इलाइका का मतलब है खुज, यानी कि दोनों का मतलब सेम है, बस फर्क क्या है, इलाइका इस्मुल फेल है और खुज सीधा सीधा फेल है, दोनों का मतलब सेम है। इलाइका इज फॉर यू। हाँ इलाइका का वैसे जो आप मतलब बता रहे हैं ना फॉर यू, वो लफ्जी मतलब है, इसका मतलब होता है ले लो टेक, इलेका मतलब इलेका ले लो टेक। तखुलुस यू से इट इज सेड ओके यू से इलेका हाजल किताबा टेक दिस बुक या अखी इलेकल मलाइक या उख्ती ठीक है या उख्ती इलैकल इलैकिल ओके इलैकिल मलाइका ओ माय सिस्टर टेक दिस मलाइका क्या है चमचे स्पून्स ओके मिल हक्का जमा ओके टेक दिस स्पून्स ओके यकूल मुदीउ इलैकुम नशरत अल अखबार यकूल मुदीउ इलैकुम नशरत अल
अखबारी। सो हुज मुदीर कौन है? मुझे वो बंदा है जो टीवी या रेडियो पर खबरें पढ़ता है। ओके सो द न्यूज़ रीडर सेज सेज टेक द न्यूज बुलेटिन ओके फॉर यू द न्यूज बुलेटिन। ऑफ फॉर यू द न्यूज़ ओके नेक्स्ट وكذلك آمين اسم فعل بمعنى استجب and take or and كذلك and so and hence and एंड henceforth आल्सो कजालिका का मतलब होता है आल्सो। ओके वो कह रहे आमीन आल्सो द वर्ड अमीन इज इसमें फेल एंड इट्स मीनिंग इज इस्तजिब एक्सेप्ट। यानी कि अमीन का भी मतलब होता है एक्सेप्ट करो, इस्तजिब का भी मतलब होता है एक्सेप्ट करो। ओके अशियाउ ममनून मा मिन सर्फी लअन्ना असलहु अशियाउ अला वजनी अफइलाउ नहु अग्नियाउ अस्दिकाउ। तो ये पैटर्न जो है ये है ओके तो ही सेइंग अशियाउ ममनू मिन सर्फ द लअन्ना वर्ड असल द वर्ड अशिया अशिया ममनू मिन सर्फ बिकॉज इट्स रियलिटी इज अशिया विच इज ऑन द पैटर्न ऑफ अफिलाउ लाइक द वर्ड्स अग्निया अस्तिका। Yes. So the word Ashiyahu is dipped out because we are not Aslahu. It is originally Ashiyahu. So Ashiyahu on the pattern of okay, on the pattern of Agniyahu and Asdikhau. शफा हल्ला शफा हल्ला हादा दुआ हूँ सो मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला गिव यू हेल्थ और रिकवरी क्यूर दिस इज द दुआ फलफेलुल माजी हुना मुस्तकबलुन फिल माना कि यहाँ पर फेल माजी मुस्तकबिल का मायने देता है। Here, इसका प्लान example of the past tense. Here, फेल माजी gives the example of मुस्तकबिल का मतलब गिव द मीनिंग ऑफ फ्यूचर। अब इसका फुट नोट पढ़ना तो पढ़ लें। ओके ठीक है अल्लाह की वजह से फिर हेल्थ ओके यहाँ है फुट नोट यून फल फैलुल माजी अल्लदी युफीद दुआ बी ला नहु ला फद्दल लाहु फाका युनफा कहती मनफी नेगेटिव। नेगेटिव फेल माजी जो होता है वो दुआ का मतलब देने में होता है हमारी। ठीक है, जैसे बी के साथ अगर ला लगा देंगे, फेल माजी के साथ ला लगा देंगे तो ये मनफी फेल माजी बन जाएगा। तो ये इसका मतलब होगा कि हम दुआ कर रहे हैं किसी के लिए।
Okay, so negative fail madi is the one which fayda deta hai dua ke liye, which helps with dua. Okay. Which helps in making dua. और कौन सा नेगेटिव जो ला वाला हो जिसके साथ हम ला लगाते हैं. ओके ला फद्दल्लाहु फाका, यानी कि अल्लाह आपकी जो ज़ुबान है ये कायम रखे, जो बोलने है जो अच्छा बोलने वाला सिस्टम है आपका ये कायम रखे. ठीक है, नेक्स्ट. ओके, हाथी मिसालन आखरा, हाथी मिसालन आखरा. Yes. Okay. मिनत दर्सी लिल्फ़ेली माधी अल्लादी युफीदु दुआ. So हाथी bring another example. Okay. मिसालन आखर, another example. अच्छा, अदर एग्जाम्पल फ्रॉम द लेसन लिल फेल इल माजी यूजिंग माजी और फेल माजी व्हिच इज यू फील व्हिच व्हिच हेल्प्स विद दुआ. ओके, ये यानी कि वो कह रहा है सबक से एक मिसाल लाएं जिसमें फेल माजी दुआ का मतलब देता हूँ. रहिमहुल्लाह, ठीक है, अल्लाह उस पर रहम करें. ठीक है, जज़ाक अल्लाह खैरन भी है. ठीक है. ओके, हल मिन सवाल, एनी क्वेश्चन. असलु हादिहिल जुमलती हल मिन सवाल इंदका असलु इन ओरिजिनली this sentence is do you have any question? Do you have any questions? Question. Okay, hadhihi min azaidatu. So here the word min is extra. वही है ज़ायदा का मतलब, और कुछ है? यही है ज़ायदा, एक्स्ट्रा. ओके, वमिन शुरूति दुखूलिहा एंड शुरूति एंड फ्रॉम, शुरूति का मतलब क्या है? एम्फसाइज हो, कंडीशन, शर्तें. ओके, सो एंड फ्रॉम इट और एंड कंडीशंस टू इंटर इट, यानी कि इसको शामिल करने की जो शर्तें हैं उनमें से है कि अब वो दो शर्तें कौन सी? एक तो जो है वो है हमें पढ़े लिखी भी. ओके, अन यस्बिका नफ्युन, अन यस्बिका दिस द लेसन है, यस्बिका इस सबक नहीं नहीं कि उससे पहले preceded by, अच्छा, that is preceded by either. Okay, that is preceded. An yes bhi kaha hai, that is preceded by. Okay. Preceded by nafyun aw nafyun, so it's nafa. Nafyun is a positive and negative. Negative. Nafi kehte hain negative ko. Okay. नहीं कहते हैं मना करने को. ओके, निगेशन और प्रोहिबिशन. ठीक है, नेक्स्ट वुड बी औ इस्तिफ़हामुन. ओके, और इंटरोगेटिव. और इंटरोगेटिव में सिर्फ और सिर्फ हल. ओके, बी हल. ओके, ओनली विथ हल. ठीक है, सो तीन कंडीशन होनी चाहिए कि पहले यानी कि जो जुमला है वो या तो नेगेटिव का जुमला हो या नहीं का जुमला हो या ऐसा इस्तफामिया हो जो हल से हो. अन यकून मजरूरहा
أن يكون مجرورها نكرة. और मिन की वजह से जो लफ्ज मजरूर होगा वो नकरा होना चाहिए, यानी जिसके साथ हमने मिन लगाने ना एक्स्ट्रा मिन, वो लफ्ज नकरा होना चाहिए। ओके, तो आई अकूना का मतलब है दैट वे, हाँ के वो हो, सो दैट यकूना का मतलब होता है इंग्लिश में बी बी ई बी, के वो हो या हो जाए। ओके दैट बी मजरूर, ठीक है। नकीरा, नकीरा का क्या है? अच्छा नकीरा इनडेफिनेट। ओके ठीक है। ओके कविन जुमलन अला غراره مستعملا الكلمات التي بين القوسين كون جملا so bring sentences make sentences make sentences على غراره on the blanks on the blanks ठीक है मुस्तामिलन by using al kalimat the words that are between the brackets क्या मुस्तामिलन al kalimat allati okay by using words that are between the brackets ठीक है المثال هل من سؤال any questions any question سؤال any and what does it mean any more questions do you have any question so من جو ہے زائدہ ہے اس کی ضرورت نہیں ہے اصل میں یہ ہونا چاہیے تھا حل سوال ان اندہ کا do you have any question تو ہم نے اندہ کو تو ایسی چھوڑ دیا کیونکہ انڈرسٹوڈ ہے اور پھر سوال ہم نے کیونکہ یہ استفہام ہے حال سے تو ہم نے من زائدہ لگا دیا بات کو اچھا کرنے کے لیے اوکے لیکن من کی بھی ضرورت اتنی نہیں ہے اچھا ٹھیک تو جی اب خبر اوکے سو خبر جو ہے کوئی تمہارے پاس خبر اینی نیوز حل من خبر ٹھیک ہے کیا کچھ نیا ہے لگانا ضروری ہے بہت ضروری بھی نہیں ہے لیکن اس سوال میں ضروری ہے حل من مزید anything extra okay. anything else بھی ٹھیک ہے okay لدي سوال لدي سوال لدي ظرف مكان لدا ظرف مكان لدا ظرف مكان بمعنى عند وتقلب ألفه ياء مع الضمير كما تقلب ألف إلى وألا وتقول لديه لديك لدي So, Ladaya Swalo. Okay. So, is do you have any questions? Any questions? Ladaya, I have a question. اس میں اصل لفظ تھا لدا اس کے ساتھ جب ہم نے ضمیر جوڑ دیا تو وہ بن گیا لدیا اس میں ضمیر کون سا جوڑا ہم نے یہ پرسنل پروناؤن والا آئی ہیو اے کوسچن اچھا ظرف از ایڈورب رائٹ
जर्फ कहते हैं, जर्फ हमने दो जर्फ पढ़े थे, जर्फ उल मकान जो किसी जगह की तरफ इशारा करे, जर्फ उल जमान जो किसी टाइम की तरफ इशारा करे। जर्फ का मतलब एडवर्ब है। अच्छा, चलो क्या है। विच इंडिकेट्स टाइम प्लेस। ओके, जर्फ मकान, ठीक है। जर्फ मकान, जर्फ जमान, ठीक है। जर्फ जमान, टाइम, ठीक। सो यहाँ पे जो है, आई हैव जर्फ मकान। इट इंडिकेट्स प्लेस, और जर्फ मकान है बिमाना, विच मीन्स इन द, इन द इज ऑल्सो आई हैव। इन द मीन विद और हैव का भी मतलब होता है। वैसे इन द का मतलब सही मतलब है वो विद होता है, ओके और हैव का भी मतलब है। ओके वो तकलबू का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म होता है, कन्वर्ट हो जाता है। इसका अलिफ ओके ट्रांसफॉर्म्स या। इस अलिफ ट्रांसफॉर्म्स इनटू या मा जमीरी विद आ प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे लद्दाख के आखिर में क्या अलिफ है, अलिफ मकसूरा। अब इसके साथ जब हमने या जोड़ दिया तो ये लदई या, तो ये जो अलिफ था ये या में कन्वर्ट हो गया। तो ये चीज़ उसने यहाँ पे लिखी हुई है कि इसका अलिफ ट्रांसफॉर्म हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है या में जमीर के साथ। ओके सो एंड इट्स अलिफ ट्रांसफॉर्म्स इनटू या विद द प्रोनाउन कमा तुखलबू अलिफू, सो दैट द अलिफ। सिमिलर टू द कन्वर्जन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अलिफ ऑफ इला एंड आला। जैसे इला और आला का अलिफ मकसूरा कन्वर्ट हो जाता है इलेई का अलई का, उसमें या में कन्वर्ट हो गया था ना, वही चीज़ यहाँ पे भी है कि उसी तरह इसका अलिफ मकसूरा भी या में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, सो इट इज सेड लदई ही हैज लदई का, यू हैव लदई या आई हैव, व इलैकल अम्थिलता एंड टेक द एग्जाम्पल्स, टेक सम एग्जाम्पल्स। वजह लदयल बाबी, लदल बाबी लदल बाबी। सो वजह आई फाउंड, वजत्ता हो, यू फाउंड इट। यू फाउंड। अच्छा, आपने वजत्ता कहा है ना, इसलिए अगर वजत्तू कहती फिर होता आई फाउंड इट। सो वजह यू फाउंड लदल इट बाबी लदया एट द डोर, विद द डोर। लदल यस, आपने बाबी उसको दरवाजे के पास पाया। माजा लदयका, माजा, What do you have? what do you have? Okay, what do you have? Wafil tanzim, and in al tanzim, in the होली कुरान, तंजील कुरान का एक नाम है। okay, and in the holy Quran, okay. Wa ladaina किताबुन यंतिकु बाल बिलहक। सो वो एंड लदैना, वी हैव मेड, राइट, वी हैव मेड, लदैना वी हैव आ, वी हैव ए, ओके, वी हैव अ किताबुन बुक यंतिकु, यंतिकु इज विच स्पीक्स, which speaks
Okay. Which speaks will have which truth? Which speaks the truth? Okay. Speaks the truth. तो ये नतक का speak का meaning है. बिल्कुल नतक कहती है बोलने को pronunciation को है. Kullu his bin bima ladai him farihun. Kullu every his bin ऐसे कहते हैं पार्टी को, लेकिन अभी आप इसका मतलब छोड़ ही दें, इंशाल्लाह हम कुरान में पढ़ लेंगे इसको डायरेक्ट एकदम. बस वैसे रीडिंग कर लें, मेन चीज इस पे फोकस करें लदई हिम पे, कि इसका जो अली मकसूरा है वो या में कन्वर्ट हो गया. कुल्लु हिस्बिन बीमा लदई हिम फरिहून. बीमा का मतलब क्या कहा आपने? बीमा का वैसे मतलब होता है विद व्हाट. इसमें यह ना कि कुछ कुरान में थोड़ी एडवांस ग्रामर के रूल्स हैं जो अभी आपने नहीं पढ़े, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो भी हम साथ साथ कर लें. फिर आपका कुरान तो वैसे मैंने शुरू करवा दिया, आज अगर टाइम बचा तो और भी पढ़ेंगे इसको आगे इंशाल्लाह. फरीहून का मतलब क्या है? फरी उनका मतलब होता है हैप्पी, खुश. ओके. सो एवरी पर्सन विद व्हाट दे हैव विल हैप्पी. ओके. माजिदु व्हाट हैपेंड, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ what is opposite of Mariz? Mariz sick. So healthy is what is it? Mariz ka jo opposite hota hai wo sahi hota hai, yani ki healthy person. Person. Ati maazi al afaal il atiya bring the past of the following verbs. Ya milu ka past kya hoga? Hamala yahmilu. Theek hai? Kya hai iska? Hamala. So hamala yahmilu. Aur ji yatlu is tulu. Tala'a, fail hai. Tala'a. Achha, fail. Tala'a. Hamilu is carrying or he carried. Okay. He is carrying. Tulu hona, rising. Okay, he is rising. Or just rising. Tala'a. He goes. Yakhtubu, he addressed, he is addressing. ठीक है. Kataba. सही है. He is addressing. Next. Yaghrubu, ghurub hona. ठीक है. Setting. Gharaba. ठीक है. Next, Yaqrubu is near, huh? Approaching, near, coming near, ठीक है. Okay. Khariba. Khariba. Khariba, ठीक है. ठीक है, thank you. Okay, near. Next, जो है Yantiku. यंतिकु का मतलब होता है बोलना, प्रोनाउंस करना, स्पीक करना. आगे हाथी मुफरद अस्माल आतिया, इनका आप सिंगुलर बताना है. हुरुम का सिंगुलर क्या होगा? किसका? हाथी मुफरद अस्माल आतिया. ओके.
Hathi is megha. Bring the singular of the following nouns. Okay, bring the singular of the following nouns. ठीक है तो जो है ये हो गया पहले गुरुमु हराम जमा होती है हुरुम हराम हराम तो जो हराम हराम वही मतलब है ना फॉरबिडन वही फॉरबिडन ठीक है नेक्स्ट जो है सुकारा नशे में होता जो बंदा इसके जमा होती है सकराउ 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 है सकरान सकरान ठीक है सकरान इंटॉक्सिकेटेड ठीक है मलाइकातु एंजल्स ठीक है मलकुन मलकुत है मलकुन मलकुन महानिन मीनिंग्स महाना इसका मुफ़रद होता है माना इसका मतलब होता है मीनिंग हाथी जमल अस्माल आती है ब्रिंग द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग नाउंस इनका जमा बस बतानी है आपकी जमा क्या होगी आमिन जो है अवाम अवामिन अवामुन हाँ ठीक है आम की जमा होती है अवाम ये आमुन है ये बिल्कुल आमुन होता है साल ईयर इसकी जमा होती है आवाम ईयर्स हमजा आइन वाव अलिफ मीम नेक्स्ट आइन ना आइन वाव अलिफ मीम ओके तिफलुन अतफालु ठीक है ओके सही हूँ नहीं पता अच्छा जी सही अगर अब जैसे भी हमने पढ़ा था बंदे के लिए हो तो इसकी जमा होती है असीहा हो और अगर गैर आकिल के लिए हो जैसे आपने मशहूर नाम सुना होगा सीहा उस सित्ता उसके लिए गैर आकिल के लिए होता है सीहा असीहा इंसानों के लिए और सीहा गैर आकिल के लिए ओके नेक्स्ट जो है मुतज़व्विजुन मुतज़व्विजुन ही इज मैरिड मुतज़व्विजून ज्यादा सारे बंदे शादीशुदा मुतज़व्विजून ठीक है नेक्स्ट ओके हिज़्बुन इज पर्सन पार्टी ग्रुप ओके ग्रुप अच्छा पार्टी ग्रुप हिज़्बानी और हिज़्बुन एहज़ाब एहज़ाब हाँ वो आपने जंग का भी नाम है ना एहज़ाब सो पार्टीज ओके नहीं नहीं ट्रेंच कहते हैं खंदक को इसको कहा जाता है जंग को क्योंकि उसमें बहुत सारी पार्टीज आई थी पूरे अरब की
Imamun, single imam. Aima. Aima, okay. Alif, Ain. Alif, Hamza. Mim, Tamabuta, Aima. دخلت على المدير which أي دخلت مكتب المدير وهو فيه I entered the headmaster office while he was in it. ठीक है. أقام الصلاة المزارع يقيم والأمر يقيم. بس ये मतलब लिखा हुआ है أقام الصلاة उसने नमाज कायम की जिसका مزارع है يقيم और इसका अमर है आकिम कायम करो नमाज. मल फ़र्क बैन अल अब्द वल उबैद कि वो कह रहे हैं अब्द और उबैद के दरमियान क्या फ़र्क है. माज़ा तुसम्मा सीगतुल उबैदी फिस सर्फी और ये जो सीगा है ये उसमें क्या कहलाता है. कुछ पता है क्या फ़र्क है अब्द और उबैद में. अब्द जो है सर्वेंट है और उबैद जो है अल उबैद कहीं बड़ा सर्वेंट नहीं बहुत ये से उबैद दो मतलब के लिए इस्तेमाल होता है. एक किसी चीज का छोटापन जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है और दूसरा किसी चीज से प्यार करने के लिए. ठीक है मतलब दोनों का एक है. बस ये अब नॉर्मल लफ्ज है आम बंदे के लिए और उबैद उसको छोटा जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है. ओके ओके तो ये क्या छोटा सर्वेंट लाइक दैट ना छोटा पन जाहिर करने के लिए बच्चे के लिए चलो हम उबैद इस्तेमाल कर देंगे. और इस सीगे को कहते हैं इस मुतसीर किसी चीज़ को छोटा जाहिर करने के लिए हम ये पढ़ते हैं. जैसे हमने तिफल से तुफैल पढ़ा था. ठीक है ये है वसलतुल मदीना था मैं मदीना पहुंचा. वो वसल तू इलल मदीना ये बस एक ही जुमले को दो तरह कहने का तरीका है. दोनों का मतलब सेम है और दोनों सही जुमले हैं. आप वसल तुल मदीनता भी कह सकते हैं आप वसल तू इलल मदीनती भी कह सकते हैं. ठीक है अच्छा ठीक है ये क्या है इसका मतलब. एक सेकंड इसका जो है माजा तम तुसम्मा सिगतुन का मतलब क्या है. माजा व्हाट तुसम्मा इज कॉल्ड सीगा सीगतुल बैद जो वैद का सीगा है इसको सर्फ में क्या कहते हैं. इसको हम सर्फ में कहते हैं इस्म तस्गीर. इस्म तस्रीर हाँ तस्गीर तस्गीर ये चीज़ हमने पढ़ी थी उसमें की बुक में युजमा मान अला मान इन हा काम सिलतन उखलाली मिसली हाजिल जम्मा. ठीक है इसमें और कुछ नहाज असमा वजनी मफाइल गैर अन्ना तो नवीनो फिर ठीक है. ये क्या 22nd का ये क्या 22 का युज या युज युजमाउ माना अला मानिन. अच्छा द प्लूरल ऑफ जमा ऑफ ओके माना इज मानिन. ठीक है हम सुनो तो ओके ठीक है. हियर आर सम मोर टेक सम मोर एग्जांपल फॉलो करो. जारिया अच्छा ठीक है बाद में भी कर सकते हैं. ठीक हां जारिया की जमा जवारी. अब ये इंग्लिश क्लास का टाइम है इंशाल्लाह वो शुरू करता हूं मैं. ठीक है अच्छा बात सुने जी बोले मैं.